अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका सुपर लाहौरी। एंड दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ बेस्ट बजट फ़ोन्स 15,000 से लेके 25,000 रुपये की रेंज तक पाकिस्तान के मार्केट्स में मेरे हिसाब से कौन सी ऑप्शन बेस्ट हैं जो आपको अच्छी वैल्यू दे सकती हैं। तो अगर आपको इस रेंज के अंदर एक अच्छा और वैल्यू फॉर मनी फ़ोन बाय करना है तो इस वीडियो के अंदर आपको आई होप के वो फ़ोन मिल जाएगा। तो डिटेल्स के लिए वीडियो को आगे देखते रहिए। पहली जो डिवाइस मेरी लिस्ट के अंदर आप बाय कर सकते हैं अराउंड कोई 16,000 रुपये की रेंज के अंदर आपको मिलेगी, और वो डिवाइस है Redmi 9C। अब Redmi 9C ये 10 मंथ हो चुके हैं पाकिस्तान की मार्केट्स में आए हुए, स्टिल इसको मैं लिस्ट के अंदर क्यों रख रहा हूँ, बिकॉज पहले ये 19,000 रुपये की थी, 3GB 64GB वाला वेरियंट है। बाय द वे ये सारे फीचर स्लाइड के अंदर मैंने लिख दिए हैं। उसके बाद ना इसकी प्राइस कम हुई, मतलब अभी इसकी प्राइस 18,000 रुपये चल रही है, और ऑफलाइन मार्केट के अंदर जहाँ पर इसका स्टॉक अवेलेबल है अच्छी प्राइस के ऊपर मिल रही है, तकरीबन कोई 16,500 रुपये तक आपको मिल जाएगी। तो उसके साथ एक बड़ी बैटरी है, Helio G35 का चिपसेट है, जो प्राइस रेंज के हिसाब से आपको कुछ बेहतर डे टू डे परफॉर्मेंस दे देगा। अगर आपने कोई कैजुअल गेमिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं। ट्रिपल कैमरा से बैक साइड के ऊपर, तो Redmi 9C आज की डेट में आपको अच्छी वैल्यू दे सकता है, स्टिल आप इसके साथ जा सकते हैं। दूसरा बजट फोन अच्छी वैल्यू के लिए जो आप ले सकते हैं वो है Tecno Spark 7। अब 9 मंथ पहले Spark 6 आया था, आपने देखा कि बजट रेंज के अंदर काफी सक्सेसफुल डिवाइस गई। तो ये जो Spark 7 है उसका एक अच्छा सक्सेसर है, कुछ चीजें बेहतर ही लेके आता है उसे। एक बड़ी बैटरी है 6000mAh की, फास्ट चार्जिंग नहीं है, मतलब 10W की चार्जिंग है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज यहां पे, बैकअप अच्छा मिल जाएगा आपको। Helio G70 चिपसेट है, तो परफॉर्मेंस बजट के हिसाब से आपको बेटर मिल जाएगी। अगर आपने गेमिंग भी करनी है सेगमेंट के अंदर तो अच्छी गेमिंग आप इसके ऊपर कर पाओगे। और बाकी 4GB 64GB का यहाँ पे स्टोरेज का कम्बिनेशन देखने को मिलता है। कैमरा जो बैक पे डबल है लेकिन एक ही उसके अंदर काम का है, 16 MP, दूसरा मेरा फेवरेट सेंसर, और फ्रंट पे 8 MP की सेल्फी। तो इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में एक वीडियो भी देने वाला हूँ जहाँ पे इसकी गेमिंग, इसकी हीटिंग, इसकी जो कुछ अदर चीज़ें हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए Spark 7 एक लेटेस्ट लॉन्च डिवाइस है बजट रेंज के अंदर, 19 प्राइस है, 17.5 के अंदर आपको मिल जाएगी, अच्छी वैल्यू के लिए आप इसकी तरफ देख सकते हैं। अगला बजट फोन मेरी लिस्ट में जो अच्छी वैल्यू आपको दे सकता है वो है अगेन Tecno की तरफ से Tecno Spark 7 Pro। अब Spark 7 सीरीज के अंदर Tecno ने काफी बेटर बजट फोन लॉन्च किए हैं, मतलब अच्छी वैल्यू आपको मिल जाती है थोड़े बहुत कंप्रोमाइज़ के साथ। इसके सारे फीचर मैंने स्लाइड के अंदर लिख दिए हैं। 90Hz का आपको रिफ्रेश रेट देता है, और ये पहली डिवाइस है जो आपको 20,000 के अंदर दे रही है 90Hz का एक स्मूथ डिस्प्ले एक्सपीरियंस। तो ये चीज है, परफॉर्मेंस पावरफुल है, Helio G80 चिपसेट है, फॉर द प्राइस सेगमेंट अच्छा है, मतलब 22 प्राइस है 20 के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। और उसके अलावा 4x64 का कम्बिनेशन है, बैक पे ट्रिपल कैमरा है, 48 का प्राइमरी है, 2 का डेप्थ आपको मिल जाता है, और एक मेरा फेवरेट है लुकटा सेंसर, और दूसरा फ्रंट पे 8 MP की सेल्फी। इसको मैंने डिटेल के अंदर रिव्यू किया हुआ अपने चैनल पे, अगर आपको ज़्यादा डिटेल देखनी है तो लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसके अलावा एक नई लुक लेके आता है। तो Spark 7 Pro 20,000 की रेंज के अंदर फॉर नॉन जायरो प्लेयर एक सॉलिड परफॉर्मेंस के लिए, कुछ बेटर कैमरा के लिए डेफिनेटली आप इसकी तरफ देख सकते हैं। अगली जो डिवाइस है ना मेरी लिस्ट के अंदर वो एक लेटेस्ट लॉन्च डिवाइस है, मतलब और दो डिवाइसेज हैं मिलते जुलते फीचर्स के साथ जुड़वा ब्रांड की तरफ से, इन्फिनिक्स और Tecno। और 15,000 से 20,000 रुपये के सेगमेंट के अंदर ये दो ब्रांड ऐसे हैं जो अच्छी ग्रिप रखते हैं मार्केट में, मतलब जो यूज़र को एक वैल्यू चाहिए ना फीचर्स वो पुट करके देते हैं और डे बाई डे इम्प्रूव कर रहे हैं। अब मुझे अक्सर कहते हैं आप में से अक्सर दोस्त के, यार इन्फिनिक्स Tecno की ज़्यादा डिवाइसेज होती हैं, भाई देखें मुझे तो वैल्यू चाहिए ना जहाँ पे मिलेगी, जो डिवाइस अच्छी वैल्यू देगी, जिस ब्रांड की डिवाइस अच्छी देगी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी ब्रांड से, आपको बस अच्छी वैल्यू मिलनी चाहिए, यही मेरा क्राइटेरिया, यही मेरा मेरिट है काम करने का। अब ये जो डिवाइस है ना Camon 17 25,000 के ऊपर आई, 6x28 वाला वेरियंट है, सारे फीचर ये स्लाइड के अंदर लिख दिए हैं, 90Hz का एक रिफ्रेश रेट लेके आती है, डिवाइस स्मूथ है, और बैक साइड के ऊपर कैमराज इंप्लीमेंट किए गए हैं, 48 MP का जो सेंसर है वो बेटर काम करता हुआ नजर आया, मतलब इसको मैंने डिटेल में रिव्यू किया हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आप उसको ज्यादा डिटेल में देख सकते हो, मैंने कंप्लीट कैमरा सैंपल्स भी ऐड किए उसके अंदर। जायरो सेंसर मिसिंग है, चिपसेट स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे Helio G85 का, तो अगर जायरो होता भी तो सॉफ्टवेयर वाला होना था, फायदा उसका भी कोई नहीं है, लेकिन एटलीस्ट Tecno को चाहिए था कि सॉफ्टवेयर वाला जायरो इनेबल कर दिया जाता, तो नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए ठीक है परफॉर्मेंस। थोड़ी सी गर्मियाँ चल रही हैं तो डिवाइस थोड़ा बहुत ऊपर भी टेम्परेचर इसका चला जाता है, तो ये चीज़ है। बाकी ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है, बड़ी बैटरी के साथ 18W की चार्जिंग है, और प्राइस 25 है, आपको कहीं पे 22,700-23,000 के ऊपर मार्केट से मिल जाएगी, तो स्टिल आप इसकी तरफ देख सकते हैं। अब जो अगली डिवाइस मैं कह रहा हूँ वो आपको पता है इन्फिनिक्स Hot 10S। अब Hot 10S इसके अंदर देखा जाए तो ऑलमोस्ट मिलते जुलते फीचर हैं वही जो Camon 17 के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। डिफरेंस कहाँ पे है, इसके अंदर एक 6000mAh की बैटरी है और 10W की चार्जिंग है, मतलब चार्जिंग वाटेज के ऊपर थोड़ा कंप्रोमाइज है, लेकिन कैपेसिटी ज़्यादा है तो बैकअप आपको कुछ बेटर मिल जाएगा। बाकी वही आपको 90Hz का HD+ पैनल देखने को मिलता है, और जो कैमराज हैं बैक साइड पर 48 देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस है इसकी भी। इसको भी मैं डिटेल के अंदर रिव्यू कर दूंगा ताकि आपके जो
सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएँ। परफॉर्मेंस के लिए हीलियो G85 का यहाँ पर चिपसेट है, परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है और सेंसर यहाँ पर सॉफ्टवेयर वाला मिल जाता है। डिलेज इतने हैं, फ़ायदा उसका भी कोई नहीं है, लेकिन वैल्यू मिल जाती है। अगेन 25 की प्राइस है, आपको ये भी कोई 2700 से 23000 रुपये के ऊपर मार्केट से मिल जाएगा। तो स्टिल एक लेटेस्ट लॉन्च है, अच्छी वैल्यू के लिए आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से या तो कैमन 17 की तरफ चले जाएं या आप इन्फिनिक्स हॉट 10S की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि टेक्नोपोवा मेरी आज की लिस्ट के अंदर नहीं है, इन्फिनिक्स हॉट 10 मेरी लिस्ट के अंदर नहीं है। तो डेफिनेट अगर आपके क्वेश्चन आने वाले हैं तो मैं यहीं पर आपको बता दूँ मैंने उनको क्यों इंक्लूड नहीं किया। दोनों जो डिवाइसेज हैं वो 8 मंथ पहली थी, अपने टाइम की अच्छी डिवाइसेज थी, मैंने हर लिस्ट के अंदर ऑलमोस्ट उनको रिकमेंड किया। आज के टाइम के ऊपर देखता हूँ ना तो सेम प्राइस सेगमेंट के ऊपर मतलब 1000-2000 रुपये ऊपर नीचे करके बेटर डिवाइसेज आ गए, लाइक हॉट 10 का हॉट 10S आ गया, आपको 2500-2300 में मिल जाता है, और टेक्नोपोवा का जो है कैमन 17 ने रिप्लेस कर दिया, मतलब कैमन 17 में आपको बेटर कैमराज देखने को मिल जाते हैं साथ परफॉर्मेंस के। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने टेक्नोपोवा को भी इंक्लूड नहीं किया। अब आपको पोवा 2 का वेट करना चाहिए, पोवा 2 होपफुली कुछ सॉलिड फीचर्स लेके आ रहा है, और हॉट 10 मेरे ख्याल से डिसकंटिन्यू भी हो गया हुआ है मार्केट में। तो यही वो रीज़न था जिसकी वजह से मैंने इन दोनों डिवाइसेज को इंक्लूड नहीं किया। अब जो अगली दो डिवाइसेज है मेरी लिस्ट के अंदर, मैंने दो इकट्ठी डिवाइसेज का नाम क्यों लिया, बिकॉज सिमिलर जो फीचर्स है ना एक जैसे वो देखने को मिलते हैं। एक रेडमी की डिवाइस है, एक पोको की डिवाइस है, आपको पता चल गया होगा। पोको की जो डिवाइस है वो है पोको M3। अभी जो पोको M3 है ना, इसको भी 5 मंथ हो गया पाकिस्तान के मार्केट्स के अंदर आए हुए। इसकी जो टारगेटेड ऑडियंस है ना, ये मल्टीमीडिया यूजर्स के लिए बनाई गई है, जिनको मतलब कंटेंट कंज्यूम करना है, डिस्प्ले फुल HD प्लस चाहिए और बड़ी बैटरी चाहिए 6000 mAh की, एक 18 वाट की चार्जिंग चाहिए, उसके अलावा जो बैक कैमरा है वो भी अच्छा चाहिए, मतलब 48 मेगापिक्सल का इसका बैक कैमरा है। फ्रंट सेल्फी थोड़ी वीक है, इसको डिटेल के अंदर मैंने रिव्यू किया हुआ चैनल में, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, ज्यादा डिटेल्स आप वहां पे देख सकते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूंगा इसका जो 4128 वाला वेरिएंट है ना, सेल के ऊपर बहुत इनसेन प्राइसेस गई हैं इसकी, जो द्राज मोबाइल वीक सेल है। आई डोंट नो कईयों ने बाय किया कईयों ने नहीं, अगर स्टिल कहीं से आपको ऑफलाइन भी अच्छी प्राइस के ऊपर मिल रहा है, इसकी वैसे प्राइस मेरे ख्याल से कोई 26 या 27 हज़ार पे है, अगर ये आपको कहीं पे 23.5-24 के ऊपर मिलता है तो एक अच्छा पैकेज है, इसकी तरफ देखा जा सकता है पोको M3 की तरफ। और जो अगली डिवाइस मैं कह रहा हूँ वो है Redmi 90। अब Redmi 90 इसके भी फीचर ये स्लाइड के अंदर मेंशन कर दिए, ऑलमोस्ट वही फीचर हैं जो आपको पोको M3 के अंदर देखने को मिलते हैं। मल्टीमीडिया यूजर के लिए डिवाइस है, 4128 वाला ये वेरिएंट है, उसके अलावा बैक कैमराज जो हैं वहाँ पे क्वाड कैमरा देखने को मिलते हैं, और यही डिफरेंस है। इसकी बैक पे एक जो एक्स्ट्रा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो लगाया गया है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है डिज़ाइन के अलावा। और फ्रंट सेल्फी 8 मेगापिक्सल की है, थोड़ी सी वीक है, अगेन मल्टीमीडिया यूजर के लिए डिवाइस है। तो ये जो दोनों डिवाइसेज है ना, पोको M3 और Redmi 90, अराउंड अगर कोई 4128 वाला वेरिएंट आपको 23.5-24 के अंदर मिलता है तो एक अच्छा पैकेज हो सकता है मल्टीमीडिया लवर्स के लिए। तो इसकी तरफ स्टिल देखा जा सकता है। गेमिंग के लिए दोनों डिवाइसेज नहीं है, मतलब स्नैपड्रैगन 662 इसके अंदर चिपसेट है, और काइंड ऑफ डे टू डे रूटीन यूज के लिए अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। तो अच्छी वैल्यू के लिए पोको M3 और Redmi 90 दोनों की तरफ देखा जा सकता है अगर अच्छी प्राइस आपको मिल रही है। तो दोस्तों ये थे बेस्ट बजट फोन 15 से 25 हज़ार की रेंज के अंदर मेरे हिसाब से, जो आपको अच्छी वैल्यू दे सकते हैं आज की डेट में। अगर आपको कोई फोन बाय करना है तो आप इनमें से किसी फोन की तरफ देख सकते हैं। बाकी वर्किंग मैंने पूरी की, 15 से 25 हज़ार की रेंज के अंदर जो न्यू में पिन पैक डिवाइसेज आ रही थी उनमें से यही ऐसी बेस्ट ऑप्शंस थी मेरे हिसाब से, जहां पे अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। तो अगर स्टिल कोई ऑप्शन मेरे से मिस हो गई हो, आप समझते हैं इसको लिस्ट में होना चाहिए था, तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।